नमस्कार दोस्तों, मॉम एंड पीहू चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों के पेट में ममोर का इलाज। स्टार्टिंग में जब हम माँ बनते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें। बच्चा रोता रहता है और कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा रोए। सारी माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा ठीक रहे, अच्छे से रहे, और रोए तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चा जब रोता है तो समझ में नहीं आता है कि बच्चा आखिर क्यों रो रहा है, बच्चे को क्या तकलीफ़ हो रही है। स्टार्टिंग में माँ बनने पर कुछ समझ में नहीं आता है और बच्चा कंटिन्यूसली रोए जा रहा है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है बच्चे को पेट में दर्द होना, और छोटे बच्चे को पेट में ममोरा ये कॉमन है, वो सारे बच्चे को होता ही है। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं रहता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम पे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा होता है जब मदर फीड कराती है ना अपने बच्चे को, या बच्चा अगर बॉटल से भी दूध पीता है तो क्या होता है कि कुछ एयर बच्चे के पेट में चला जाता है और वही बच्चों के पेट में रह जाता है और वही उनके आँतों में चला जाता है और छोटे छोटे बबल्स बना देता है। इसी की वजह से बच्चे में पेट दर्द होता है, बच्चा रोने लगता है और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो और कभी कभी तो बच्चा पॉटी करता है तो पॉटी करते टाइम रोता है, या फिर एयर रिलीज़ करता है उस टाइम पे रोता है। तो कभी कभी बालों को समझ में नहीं आता है कि कैसे पता करें कि बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है उसको। तो उसको आप उसका एक पेट पहले तो आप कभी कभी अगर बच्चा पॉटी करने टाइम या फिर एयर रिलीज़ करने टाइम अगर रो रहा है तो इससे भी पता लगता है कि बच्चे को पेट में ममोरा हो रहा है, पेट में उसको तकलीफ़ है, कुछ दर्द हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम है। तो आप इसको ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। आप बच्चे का टमी को छूकर देखिए, वो हार्ड है, हार्ड लग रहा है, फुला हुआ लग रहा है, या फिर उसको हल्का सा प्रेस करने से बच्चा रो रहा है तो उससे भी पता लगता है कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, इस वजह से बच्चा रो रहा है। ज़्यादातर ये बच्चा जब तक 3 महीने का नहीं होता है तब तक उसे 3 महीने तक के छोटे बच्चे को ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है। तो वैसे केसेस में आप क्या कीजिए, ऑयल को जो मसाज जिस तेल से आप बच्चे का मसाज करते हैं उसको हल्का गुनगुना लेना है, हल्का गुनगुने ऑयल से बच्चे को मसाज कीजिए, उसके पेट को धीरे धीरे नीचे की तरफ आप उसको सहलाइए, उससे भी बच्चे को आराम मिलता है। और कभी भी आप एक बात का ध्यान रखिए, बच्चे को कभी भी आप फीड कराते हैं तो बच्चे का सिर हमेशा ऊंचा ऐसे ऊपर की तरफ रख करके ही बच्चे को फीड कराना है। क्या करना है हम लोग को, ये घरेलू उपचार मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या करना है, आपको बस एक पिंच हींग का लेना है। एक पिंच हींग को आप पहले तो एक चम्मच गुनगुना पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी गुनगुना होना चाहिए। उस एक चम्मच गुनगुने पानी में एक पिंच आपको हींग डालना है। जब वो हींग अच्छे से पूरा वो मेल्ट हो जाए उसमें, तो बच्चे की नाभि के चारों तरफ बस उसको लगा देना है। ये नहीं, बच्चे को खिलाना नहीं है, बच्चे की नाभि के चारों तरफ उसको लगा देना है और थोड़ी देर छोड़ना है, देखना है उससे बच्चे को आराम होता है। और एक और उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तो आपको 99.9% आपको फ़ायदा करेगा आपके बच्चे को। इसमें क्या करना है, आप अजवाइन का सेक देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अजवाइन का अजवाइन के धुआं का सेक से अच्छा है कि आप अजवाइन का एक पोटली टाइप का बना करके उससे बच्चे को सेक दें। वो आपको मैं गारंटी देती हूँ, इससे आपके बच्चे को 100% 99.9% आपको ज़रूर आपके बच्चे को फ़ायदा होगा। और वो आप उसको सेक दीजिएगा ना, उसी टाइम पे उसको आराम लगेगा, आपको खुद फील होगा कि आपके बच्चे को ये आराम हुआ है इस चीज़ से। मैंने भी अपने बच्चे पे ये चीज़ ज़रूर ट्राई किया था और मेरे बच्चे को बहुत आराम हुआ था इससे। मेरा बच्चा भी रात में बहुत रोता था मगर उससे उसको बहुत आराम हुआ। और ये जो अजवाइन का जो पोटली जो मैंने बताया ना, अजवाइन की पोटली बनाना आप मेरे दूसरे वीडियो पे चेक कर सकते हैं, मैंने बताया है इसको कैसे बनाना है और बच्चे को कैसे सेकना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि
कि बच्चे को कैसे इसका सेक देना है। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है इस पर, आप एक बार जाकर ज़रूर चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। और दूसरा एक बात और एक चीज़ और एक और उपाय ये है कि बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ को, माँ जो खाती है, माँ जो भी कुछ खा रही है, उससे भी बच्चे को कई बार बहुत असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, माँ को क्या करना है कि जो माँ जो अपने बच्चे को फीड कराती है उसको क्या करना है, अजवाइन को थोड़ा, 1 चम्मच अजवाइन को थोड़ी देर पानी में बॉईल कर लें, 1 कटोरी में बॉईल कर लें, उसी में 1 चुटकी ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर दें और उसको 5 मिनट तक बॉईल होने दें। जब वो पानी हल्का गुनगुना हो जाए, पीने लायक रहे, तो उसको क्या करिए, आप एक छन्नी से छान कर उसको एक कप में डालकर उसको पी जाइए। उससे भी, अजवाइन के पानी से भी आपके बच्चे को बहुत आराम मिलेगा, बच्चे को उससे भी बहुत आराम होगा और उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कभी भी अपने बच्चे को फीड कराएं तो डकार ज़रूर दिलवाएं। डकार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर डकार करेंगे तो उनको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेट से रिलेटेड। और अगर जब आपका बच्चा 1 महीने से ज़्यादा का हो जाए, मैं 1 महीने से छोटे बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, 1 महीने से थोड़े बड़े बच्चे की बात कर रही हूँ, अगर 1 महीने से बड़ा बच्चा है, 1 महीने का हो चुका है, तो आप बच्चे को पेट के बल ले सकते हैं। अपने हाथ पर आप इस तरह यहाँ पर पेट के बल बच्चे को यहाँ पे लेटाइए, 5 ऐसे रखिए उसको, इस तरह से थोड़ा सा उसके पीठ को ऐसे सहलाइए और 5 मिनट तक, 5-10 मिनट आप उसको ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी बच्चे को आराम होता है। बच्चे को कभी भी रूटीन मालिश करते हैं ना आप, तो उस टाइम पे क्या कीजिए, आप कभी भी क्लॉकवाइज उसको मालिश करना है बच्चे को, कभी भी आप क्लॉकवाइज मालिश कीजिए। उसके पेट को भी हमेशा आप मालिश कीजिए, हमेशा क्लॉकवाइज उसको मालिश कीजिए, तो बच्चे को पेन होने के चांसेस कम रहेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेबी रिलेटेड कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप उसे देख सकें। और जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और आप